This paper is October-November 2023 and variant is 1-2. First question of this paper is of binomial expansion. The coefficient of x3 in the expansion of 3 plus 2ax power 5 is 6 times the coefficient of x square in the expansion of 2 plus ax power 6. Find the value of constant a. यहां पे हमने दो एक्सप्रेशन है, दोनों की एक्सपेंशन करनी है. फर्स्ट एक्सपेंशन जो है ये है, इसमें से आपने x3 का कोफिशिएंट फाइंड करना है और इस की एक्सपेंशन में आपने कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है. यहां पे बेसिक यहां पे फार्मूला यूज होगा, फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक टर्म. वो फार्मूला ये होता है कि अगर हम a प्लस बी पावर एन स्पेसिफिक कोई टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला होता है एनसीआर, ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर. दिस फार्मूला विल बी यूज टू फाइंड कोएफिशिएंट. सबसे पहले हमारे पास ये एक्सपेंशन है 3 प्लस 2 ए एक्स पावर 5. यहां पे कंपेयर करें इसके साथ a की जगह पे 3 है, 2 ax की जगह पे ये देखें b की जगह पे 2 ax है और पावर n है, n की जगह पे 5 है. हमने r फाइंड करना है. r r कोई इंटीजर इंटीग्रल नंबर होगा तो सो 5 c r. r को आपने ऐसा लिख लेना है 3 पावर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 की पावर आ जाएगी 5 माइनस r और 2 ax की पावर आ जाएगी r. अब इस 2 ax को आपने विद इन ब्रैकेट लिखना है. नाउ वी विल यूज इंडिसेस रूल 5 cr 3 पावर 5 माइनस r. अब यहां पे ये 2 के ऊपर भी r आएगा, a के ऊपर भी r आएगा और x के ऊपर भी r आएगा इंडिसेस रूल. तो सो वी कैन राइट इट एज 2 पावर r a पावर r x पावर r. अब हमने कोएफिशिएंट फाइंड करना है x क्यूब का. तो यहां देखें x यहां पे, सिर्फ यहां पे x, तो x के ऊपर r है, r को हमने 3 पुट कर देना है ताकि हमारे पास 3 आ जाए. तो सो यहां इस केस में r इज इक्वल टू 3 है. तो यहां पे r आ रहा है, वहां पे हमने 3 पुट कर देना है ताकि x3 की इतने x पावर 3 वाली टर्म आ जाए, वहां से x3 का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. 5c3 पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 2 पावर 3 a पावर 3 और x पावर 3. 5c3 जो है ये कैलकुलेटर से हमें मिलेगा 10. 10 3 पावर 2 ये 9, 3 2 पावर 3 ये 8, a पावर 3 x3. तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x3. x3 का कोएफिशिएंट जो है ये हमारे पास आ गया है. तो सो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x3 इज इक्वल टू 9 × 10 × 8 ये आएगा 720. सो वी गेट 720 a3. ये कोएफिशिएंट आया है एक्स क्यूब का 720 a3. इसी तरह अब हमने यहां से कोएफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का. इस पे भी यही फार्मूला यूज होगा. तो सो
टू प्लस ए एक्स पावर सिक्स, यहाँ पे एन सी आर, एन सिक्स है, सिक्स सी आर, टू पावर सिक्स माइनस आर, और ए एक्स विद इन ब्रैकेट लिखना है इसको, पावर आर। अब हम इंडिसेस रूल यूज करेंगे, ये ए की पावर भी आर आएगा और एक्स के ऊपर भी आर आएगा, तो सिक्स सी आर, टू पावर सिक्स माइनस आर, ए पावर आर और एक्स पावर आर। अब देखें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का, तो हम क्लियरली ये आर की वैल्यू जो है वो टू होगी, तो सो आर इस केस में टू है, तो अब हम टू पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ आर, तो दिस बिकम 62, 62 टू पावर सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा, ए पावर टू, एक्स पावर टू, तो सो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है ये आ जाएगा 62, टू पावर फोर इंटू ए स्क्वेयर, तो 62 कैलकुलेटर से ये 15 होगा, टू पावर फोर ये 16 है, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो सो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 240 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो दिस इज अ कोफिशिएंट 240 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 240 ए स्क्वेयर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स थ्री इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज सिक्स टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 720 ए क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 240 ए स्क्वेयर, तो ये सिक्स टाइम्स है, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये उसके इक्वल हो जाए, क्योंकि ये 720 ए क्यूब जो है ये सिक्स टाइम्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर से, तो से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर को हम सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन में से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वेयर और ए क्यूब ये कैंसिल आउट, अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ए स्क्वेयर पे, ये देखें ए स्क्वेयर पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट, तो ये जो है ये कैंसिल आउट होके ए आ जाएगा, यहाँ पे ए ए बच जाएगा, तो सो 720 ए इज इक्वल टू 6 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1440, फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू 1440 ओवर 720, फाइनली वी गेट ये कैंसिल आउट, टू पे कैंसिल हो जाता है, तो सो वी गेट फाइनली ए इज इक्वल टू टू, दिस इज द आंसर।